नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं आई थिंक हिंदी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे जो जीमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट सेव हैं उसमें से हम डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट कैसे हटाएं। तो ये छोटी सी वीडियो है, आज नहीं तो कल आपके ज़रूर काम आएगी, क्योंकि बहुत सारे डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट हमारे फ़ोन के अंदर या जीमेल आईडी पे क्रिएट हो जाते हैं बैकअप लेते लेते, तो उसे हम कैसे रिमूव करें। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, जिससे आप जितने भी डुप्लीकेट एंट्रीज हैं कॉन्टैक्ट की वो आप रिमूव कर सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम जो है ओपन कर लेना है। ये गूगल क्रोम में मैंने ओपन कर लिया और ये गूगल का होम पेज है, ठीक है। गूगल के होम पेज पर आपको आ जाना है। गूगल के होम पेज पर आ जाने के बाद आपको जो है अपने जिस भी जीमेल आईडी पर आपके डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट सेव हैं या जितने भी कॉन्टैक्ट सेव हैं उसी ईमेल आईडी पर आपको लॉगिन करना है, या यूं कहिए कि आपकी जिस भी जीमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट सेव हैं उसमें लॉगिन हो जाइए। तो ठीक है, मैंने जो है गूगल ओपन कर लिया है और ये मेरी ईमेल आईडी है, मैं इसमें पहले से लॉगिन हूँ। अगर आप लॉगिन नहीं हैं तो ऊपर ये जो आप निशान देख रहे हैं यहाँ पर साइन इन लिखा आएगा, यहाँ पर आप क्लिक करके अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाइए, ठीक है। तो ये मैं जो आइकन है आप देख रहे हैं, इस आइकन पर क्लिक करता हूँ। सॉरी, ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं, नो डॉट जो है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जैसे स्क्रॉल नीचे करेंगे तो ये यहाँ पर लिखा आएगा कॉन्टैक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे कॉन्टैक्ट दिखा रहा है, कॉन्टैक्ट 2277, यानी कि 2277 मेरे कॉन्टैक्ट जीमेल आईडी पर सेव हैं, जो कि मेरे जो ओरिजिनल नंबर हैं उसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो गई है, जिस वजह से ये नंबर मेरे इतने शो कर रहा है। तो जब भी हम फोन के जितने भी कॉन्टैक्ट हैं बार बार जीमेल आईडी पर बैकअप लेते हैं तो यह हम दोबारा कॉपी कर देते हैं, तो इस वजह से इतने नंबर दिखा रहा है। तो अब हम इन नंबरों को एक एक करके फाइंड करेंगे, डिलीट करने के लिए तो बहुत समय लग जाएगा, तो हम इन्हें एक साथ डिलीट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये है कि इन्हें डिलीट करने से पहले, जो डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट हैं आपको डिलीट करने से पहले, इनका आपको एक बैकअप ले लेना है कि मान लीजिए अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो वो जो बैकअप है आपके पास रहेगा, उसे आप बाद में रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास 2277 कॉन्टैक्ट हैं, सबसे पहले मैं इन सभी कॉन्टैक्ट का बैकअप ले लेता हूँ। तो बैकअप लेने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर जो है लेफ्ट हैंड साइड पर तीन लाइनें देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आ रहा है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आ रहा है एक्सपोर्ट एज, सबसे लास्ट में आ रहा है वी कार्ड फॉर iOS कॉन्टैक्ट, ये एंड्रॉयड कॉन्टैक्ट के लिए है, एंड्रॉयड वर्जन के लिए सबसे लास्ट में हमने सेलेक्ट किया ऑप्शन, उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपोर्टिंग चालू हो गई थी, यहाँ लिखा है डू यू वांट टू डाउनलोड, ये मैंने पहले भी एक्सपोर्ट कर रखे हैं इसलिए दिखा रहा है अगेन, यानी कि ये जो फाइल है आप दोबारा डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यस मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो ये लिखा गया कॉन्टैक्ट 1.vcf, ये फाइल जो है मेरी जो कॉन्टैक्ट जितने भी है 2277 इसका एक बैकअप भी क्रिएट हो चुका है। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है या आपसे कुछ गलती हो जाती है तो अपने कॉन्टैक्ट आप दोबारा से रिकवर रिस्टोर कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई इन कॉन्टैक्ट का हमने बैकअप कैसे लिया। अब हम इसमें से डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट डिलीट करते हैं, हम वन बाय वन नहीं करेंगे, हम एक साथ ही जितने भी कॉन्टैक्ट हैं सबको डिलीट करेंगे। तो अभी यहाँ दिखा रहा है 2277 कॉन्टैक्ट, जब हम डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट डिलीट कर देंगे तो उसके बाद ये जो कॉन्टैक्ट हैं 2277 से घटकर कुछ रह जाएंगे। तो ठीक है, डिलीट करने के लिए क्या करना है आपको, ये जो तीन लाइनें हैं इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लिखा है मर्ज एंड फिक्स, नीचे लिखा है मर्ज एंड फिक्स, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ दिखा रहा है 295 पीपल विद डुप्लीकेट लिस्टिंग, यानी कि ये जो आपके जो कॉन्टैक्ट की लिस्ट है इसमें 295 पीपल डुप्लीकेट हैं, यानी कि दोबारा नंबर उनका इसके अंदर क्रिएट हुआ है, ये दोबारा एंट्रीज हैं। तो इसको हम फिक्स करने के लिए, डिलीट करने के लिए यहाँ लिखा है मर्ज डुप्लीकेट, इसी ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सारे ऑप्शन, सारे जो नंबर हैं वो दिखाएगा कि किस किस नाम से नंबर आपके फ़ोन में दोबारा सेव हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सभी नंबरों को हमें कुछ नहीं करना, सबसे लास्ट में नीचे ऑप्शन आ रहा है मर्ज ऑल, ये नीले कलर का आप देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप मर्ज ऑल पर क्लिक करोगे नीचे एक प्रोसेसिंग यानी कि वर्किंग चालू होगी और जितने भी कॉन्टैक्ट हैं आपके सारे डुप्लीकेट सिंगल में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ दिखा रहा है मर्ज डुप्लीकेट 0, यानी कि अब सारे नंबर जो हैं आपकी डुप्लीकेट एंट्रीज हट चुके हैं, सारे जो हैं सिंगल हो चुके हैं। अब मैं करता हूँ उसे बैक,
तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको बताया था कॉन्टेक्ट जो दिखाए थे 2277 थे, अब 2277 में से केवल 539 कॉन्टेक्ट रह गए, यानी कि जितने भी मेरा एक्स्ट्रा कॉन्टेक्ट थे वो सिंगल हो चुके हैं। तो इस तरह आपके सारे ही अब सिंगल और यूनिक नंबर बचे हैं, कभी भी आप इन्हें अपने फोन में सेव कर सकते हैं। अब हम एक काम और करते हैं, ये जितने भी कॉन्टेक्ट हैं इसकी एक बार हम एक फाइल और क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट कर लेते हैं, वी कार्ड एक्सपोर्ट। अब ये क्या होगा, पहली जो फाइल करी थी वो थी contact.vcf1 के नाम से, क्योंकि उसमें हमारे 2277 कॉन्टैक्ट थे, ये वाली जो है सिर्फ 539 कॉन्टैक्ट हैं, तो हम डाउनलोड कर लेते हैं इसे भी। ये contact2.vcf के नाम से फाइल हमारे फ़ोन के अंदर ही सेव हो गई। अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गई हो या हो जाती है तो आप ये करंट वाले नंबर या इससे पहले जो हमने बैकअप लिए थे वो नंबर दोबारा भी रिस्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने फ़ोन में से यानी कि जीमेल आईडी से डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट हटा सकते हैं और यूनिक नंबर जो आपके रह जाएंगे उन्हें आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं या रिस्टोर फ़ोन में कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मुझे आपको सिर्फ इतना ही बताना था कि जीमेल आईडी में जितने भी हमारे डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट होते हैं उन्हें हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, और साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कैसे उन्हें हम एक्सपोर्ट करके रख लें कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम दोबारा वो जो कॉन्टैक्ट हैं वो रिस्टोर कर सकते हैं। जब आपके यहाँ से काम हो जाए तो अपने जो अकाउंट है इसे आप साइन आउट कर सकते हैं। ये मैं इस आइकन पे गया और साइन आउट पे मैंने क्लिक कर दिया। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे आई थिंक हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आई थिंक हिंदी देखते रहिए, सीखते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।